तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पूर्णा से नांदेड़ के बीच के विद्युतीकरण की अपडेट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में ही बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन से निकल चुकी थी। अभी हम आ गए थे पूर्णा जंक्शन के आउटर पर नांदेड़ साइड से। तो यहाँ पर अभी तक फाउंडेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर फाउंडेशन का काम पेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी काम स्लो चल रहा है अभी पूर्णा जंक्शन पर। तो अभी हम आ गए थे पूर्णा जंक्शन के कुछ दूर आउटर पर। तो यहाँ पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बस पूर्णा के आउटर पर अभी तक फाउंडेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पूर्णा के आउटर पर कुछ दूर पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। तो पूर्णा जंक्शन से निकलने के बाद अभी हमारी ट्रेन आ गई थी चुड़ावा रेलवे स्टेशन के आउटर पर। तो यहाँ पर भी फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, देखा जाए तो पूर्णा जंक्शन से चुड़ावा रेलवे स्टेशन के बीच में बस कुछ कुछ जगहों पर अभी फाउंडेशन का काम अभी भी नहीं हुआ है, जो कि वो जल्दी से जल्दी पूरा होने की संभावना है। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई थी चुड़ाव रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली चुड़ाव रेलवे स्टेशन पर दोनों तरफ से फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कंप्लीट भी हो गया है। बस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम अभी चल रहा है, जो कि वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे ही रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का सब स्टेशन बन रहा है, जो कि उसका काम भी 50% कंप्लीट हो गया है और बाकी का काम पेंडिंग में है, वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकता है। हमारी ट्रेन चुड़ाव रेलवे स्टेशन से निकल चुकी थी।
तो दोस्तों चुड़ाव रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अभी हमारी ट्रेन आ गई थी लिमगांव रेलवे स्टेशन के आउटर पर। तो यहाँ पर फाइनली फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों देखा जाए तो चुड़ाव रेलवे स्टेशन से लिमगांव के बीच में फाउंडेशन का काम कंप्लीट है, बस थोड़े जगहों पर ही फाउंडेशन का काम अभी पेंडिंग में बचा है, जो कि वो भी तेज़ी से चल रहा है, तो जल्दी ही कंप्लीट हो सकता है। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई थी लिमगांव रेलवे स्टेशन पर। तो हमने देखा कि लिमगांव रेलवे स्टेशन पर अभी तक फाउंडेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। देखा जाए तो फाउंडेशन का काम लिमगांव के प्लेटफॉर्म पर पेंडिंग में है, बाकी लिमगांव के आउटर पर फाउंडेशन का काम पूरा 100% कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी ही लिमगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन का काम शुरू होने की संभावना है। तो हमारी ट्रेन लिमगांव रेलवे स्टेशन से भी निकल गई। तो लिमगांव रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अभी हमारी ट्रेन आ गई थी वानेगांव रेलवे स्टेशन के आउटर पर। तो यहाँ पर फाउंडेशन का काम फाइनली कंप्लीट हो गया है, और देखा जाए तो लिमगांव से वानेगांव के बीच में काफी सारा फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। वानेगांव के साइड से फाउंडेशन का काम पूरा 100% कंप्लीट है, बस लिमगांव के पास से कुछ कुछ फाउंडेशन का काम अभी भी चालू है, जो कि वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने की संभावना है। तो अभी हमारी ट्रेन वानेगांव रेलवे स्टेशन पर आ गई थी, तो यहाँ पर भी फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम आगे देखेंगे नांदेड़ के आउटर पर या नांदेड़ में फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है या नहीं, तो वीडियो में बने रहिएगा। हमारी ट्रेन वानेगांव रेलवे स्टेशन से भी निकल गई। दोस्तों आप वीडियो में अभी देख पा रहे होंगे हमें नांदेड़ के आउटर पर, और फाइनली यहाँ पर फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। देखा जाए तो नांदेड़ और वानेगांव के बीच में फाइनली फाउंडेशन का काम शुरू, अभी अभी फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है, तो जल्दी ही ये फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो सकता है। और नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो अभी तक फाउंडेशन का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नांदेड़ रेलवे स्टेशन के आउटर पर फाइनली फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है, तो जल्दी ही नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी फाउंडेशन का काम शुरू होने की संभावना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।